हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आज आपको ट्वेल्थ क्लास का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने बता रखा था, आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आपको पहले ही बता चुके थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत समझने वाला चैप्टर है और इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बारीकियाँ की जरूरत थी, जिसके अंतर्गत एक ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो ऐसे 11th क्लास चैप्टर का चीज़ है, 11th क्लास में आप देख लीजिएगा जाकर मेरा वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर का। पर यहाँ पर इस चैप्टर को समझने के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा हम यहाँ डिस्क्राइब कर दिए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे निकाला जाता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल्स को सिंपल्स रूल्स हैं, उसको दिमाग में सेट कर लेना है, बाकी उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल है? सबसे पहला नियम यही है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नेचुरल सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो। पहला नियम यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी नेचुरल सब्सटेंस का क्या होता है, जीरो होता है। नेचुरल सब्सटेंस किसको कहते हैं, चाहे वो एलिफाइंट फॉर्म में सब्सटेंस उपलब्ध हो या कंपाउंड फॉर्म में। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम की बात करें तो जीरो, आयरन की भी बात करें तो जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CuSO4 की बात करें, ये कंपाउंड है, इसका भी जीरो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 की बात करें, ये भी एक कंपाउंड है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। इसी तरह के कोई भी कंपाउंड आएगा तो जीरो, यानी कोई एलिमेंट फॉर्म में हो या कंपाउंड फॉर्म में हो उसको नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या पूछा जाए, बोलेंगे जीरो। अगर कोई पूछ दे कि CuSO4 का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो हम बोलेंगे जीरो। कोई पूछे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो हम बोलेंगे जीरो। क्लियर है? अब दूसरा रूल्स ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज टेकन टू बी प्लस वन। कहता है ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। अगर पीटी में जाके देखिए तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी हैं उस ग्रुप के एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड के अंदर आएंगे तो वहां पर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे, प्लस वन लेंगे, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का। अब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है ध्यान से देख लीजिए, आपको मालूम भी होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देखिए यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एक हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक नंबर लिख दिए, 1 हाइड्रोजन, 3 लिथियम, 11 सोडियम, 19 पोटेशियम, 37 रुबिडियम, 55 सीजियम और 87 फ्रांसियम। फ्रांसियम को याद करने की जरूरत नहीं है, आप हाइड्रोजन से लेकर सीजियम तक याद कर लीजिएगा। कौन कौन? एक हाइड्रोजन, 3 लिथियम, 11 सोडियम, 19 पोटेशियम, 37 रुबिडियम, 55 सीजियम और 87 फ्रांसियम। ये सब क्या है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। अगर ये किसी कंपाउंड में जाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, प्लस वन लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तीसरा नंबर रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल का देखा जाए और वह एलिमेंट इन अ कंपाउंड किसी कंपाउंड में आएगा तो इज टेकन टू बी प्लस टू। कहता है अगर ग्रुप सेकेंड एलिमेंट किसी कंपाउंड में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे, उस एलिमेंट का, प्लस टू लेंगे। अब ग्रुप सेकेंड एलिमेंट कौन कौन है, 4 बेरिलियम, 12 मैग्नीशियम, 20 कैल्शियम, 38 एस्ट्रोंशियम, 56 बेरियम, 88 रेडियम। ये जो एलिमेंट हैं ग्रुप सेकेंड एलिमेंट हैं, अगर ये किसी कंपाउंड में जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे, प्लस टू लेंगे। ध्यान से देखिए अब आपका फोर्थ रूल क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज टेकन टू बी माइनस टू। कहता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में क्या लेते हैं, तो माइनस टू लेते हैं, ठीक है। पांचवा रूल की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयनिक सब्सटेंस इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। कहता है ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयनिक सब्सटेंस इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। कहता है कोई भी आयनिक सब्सटेंस है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है वही चार्ज का वैल्यू हम उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर में लेते हैं।
एक एग्जांपल हम दे दिए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जैसे सल्फेट आयन है SO4 2-, यानी सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, -2 लेंगे। क्यों? क्योंकि सल्फेट पर -2 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हम क्या लेंगे, -2 लेंगे। देखिए यहाँ पर सल्फेट पर दो चार्ज है निगेटिव, यहाँ लिखा हुआ है ना 2-, यानी सल्फेट पर दो चार्ज है निगेटिव, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट आयन का क्या लेंगे, -2 लेंगे। ठीक है, यानी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट, कहता है कौन ग्रुप का, 7A, समझ गए ना, 7A ग्रुप का एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, इन अ कंपाउंड इज टेकन टू बी -1। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन टू बी -1। अगर 7A ग्रुप एलिमेंट आ रहा है किसी कंपाउंड में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उस कंपाउंड में क्या लेंगे, -1 लेंगे, किसी कंपाउंड में लेंगे। अगर ऐसे लेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो अगर कोई आदमी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो हम बोलेंगे 0, लेकिन किसी कंपाउंड में आएगा तब ये रूल लागू होता है। तो वही कह रहा है, 7A ग्रुप का एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड में आएगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, -1 लेंगे। कौन कौन है 7A फैमिली का मेंबर, 9 फ्लोरीन, 17 क्लोरीन, 35 ब्रोमीन, 53 आयोडीन, 85 स्टैटिन, ये है इसके मेंबर। स्टैटिन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिन आएगा नहीं, मुख्य रूप से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का याद कर लीजिएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 काम करेगा। ठीक है, किसी कंपाउंड के अंदर। अब कुछ एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं, यहाँ क्वेश्चन दिए हैं क्या, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। यहाँ पर कुछ कंपाउंड का नाम दिए हैं, उस कंपाउंड में हम कुछ एलिमेंट पर अंडरलाइन किए हैं, जिसका अंडरलाइन किए हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। कैसे निकालना है, निकालने का तरीका बड़ा आसान है, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर अंडरलाइन हमने किया है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ध्यान से देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट पर कार्बन पर अंडरलाइन किए हैं, तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब देखिए निकालने का तरीका बहुत आसान है। अब कैल्शियम अभी पता है ये ग्रुप सेकेंड एलिमेंट है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या काम करेगा, +2, हमने लिखा है ना ऊपर ग्रुप सेकेंड एलिमेंट कैल्शियम, तो यहाँ 2 ले लिए। अब जिसका निकालना है उसको आप x मान लीजिए, क्योंकि उसको फाइंड आउट करना है ना, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x रख लिया है। अब देखिए 3 लिख दिए प्लस में, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 ऊपर में लिखा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 दे दिया, और 3 ये एटम है, 3 एटम दे दिया, और चूंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम कार्बोनेट पूरे सब्सटेंस का क्या होगा, या पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। बताए थे ना नेचुरल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसलिए हमने 0 कर दिया, तो यहाँ 0 कर दिए। अब यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए इसको, 2x 3 2 6 -6 हो जाएगा, यहाँ 0, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन x का वैल्यू 4 आया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या आया निकल के, +4 आया, किस कंपाउंड में, CaCO3 कंपाउंड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आया, 4 आया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है SO4 2-। अब यहाँ ध्यान से देखिए सल्फर का निकालना है, अंडरलाइन किया हुआ है। अब कैसे निकलेगा सल्फर का निकालना है, तो सल्फेस सल्फर के लिए S मान लिया गया है, X मान लिए सल्फर के लिए, प्लस 4 एटम है तो 4 लिख दिए, इनटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए, और टोटल कंपाउंड का क्या लिख दिए, चार्ज के बराबर, चार्ज -2 है, इसलिए टोटल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिख दिया, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर x का निकल के आ रहा है 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो गया, SO4 2- कंपाउंड के अंदर +6 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो x मान लिए, हाइड्रोजन का 4, और चूंकि 4 एटम है तो 4 लिख दिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, देखिए ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है तो 1 लिख दिए, क्लोरीन का अभी आपने बताया क्लोरीन 7A फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ -1 लिख दिए, -0। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यूशन -3 आएगा, टोटल कंपाउंड का 0 क्यों लिखे, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस है NH4Cl, तो यहाँ x का वैल्यूशन -3 आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया, -3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3 आ रहा है, किस कंपाउंड के अंदर, NH4Cl कंपाउंड के अंदर। तो क्लियर हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक मेटालिक सरफेस होता है जो सेल के अंदर मौजूद रहता है,
ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है या रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी एक मेटालिक सरफेस जो सेल के अंदर मौजूद है उसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका इस्तेमाल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए होता है या रिडक्शन रिएक्शन, यानी इसी के सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है या रिडक्शन रिएक्शन होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोड का डिफिनेशन, इट इज अ मेटालिक सरफेस, इलेक्ट्रोड एक मेटालिक सरफेस है वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। कहता है मेटालिक सरफेस है जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। इट इज प्रेजेंट इन द सेल, ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, यानी इलेक्ट्रोड एक मेटालिक सरफेस है और सेल के अंदर मौजूद रहता है और इसी के ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन हमने किया है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। तो पहले हमने इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के आधार पर इलेक्ट्रोड को दो भागों में बांटा जाता है, एक को कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड। अब जरा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लीजिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। दुनिया का चाहे कोई भी तरह का सेल हो, याद कर लीजिएगा, दुनिया का चाहे कोई भी तरह का सेल हो, उस सेल में एनोड के ऊपर जब भी कोई रिएक्शन होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसको याद कर लीजिए। कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स, हमेशा याद रखिएगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन ही होता है, ठीक, और रिडक्शन रिएक्शन के लिए ही कैथोड बनता है। अब इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन हम दूसरे तरह से भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर इलेक्ट्रोड को दो भागों में बांटा जाता है इलेक्ट्रोड को। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन था और ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इलेक्ट्रोड किस नेचर का है इसके आधार पर इलेक्ट्रोड को दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रोड स्वयं रिएक्शन में भाग ले ले, उसको क्या कहते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। यानी कहने का मतलब मेटालिक सरफेस है इलेक्ट्रोड और रिएक्शन होगा तो वो जो मेटालिक सरफेस है स्वयं रिएक्शन में भाग लेगा, यानी इलेक्ट्रोड के सरफेस में अंतर आएगा तभी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तभी तो रिएक्शन में भाग लेगा। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड दे आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एक्टिव इलेक्ट्रोड वही है जो रिएक्शन में स्वयं भाग लेता है, जिसका एग्जाम्पल है कॉपर, जिंक, निकेल और भी जितने मेटल हैं, बहुत से मेटल हैं, सभी मेटल नहीं, कुछ मेटल जैसे आयरन है, ये सब क्या है, सिल्वर है, ये सब जितने हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सेल के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रोड के रूप में लेकिन स्वयं रिएक्शन में इलेक्ट्रोड भाग नहीं लेता है, उसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। दे डू नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, रिएक्शन में स्वयं भाग नहीं लेता है, इसकी संख्या फिक्स है, इनर्ट इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ फिक्स इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ध्यान से देखिएगा, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, प्लेडियम और गोल्ड, AU मतलब गोल्ड, इतना ही जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड की संख्या फिक्स है, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, प्लेडियम और गोल्ड, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं सेल के अंदर, उस सेल के अंदर बने हुए सॉल्यूशन में करंट पास कराते हैं। तो सॉल्यूशन किससे बनाते हैं, सॉल्यूशन हम बनाते हैं सब्सटेंस लेते हैं और पानी में घोलते हैं, वाटर में घोलते हैं, तो वाटर को यहाँ एक्वस कहा जाता है, यानी सब्सटेंस को एक्वस में घोल लीजिए और घोलने का जो सॉल्यूशन तैयार हो उस सॉल्यूशन से अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो वह सॉल्यूशन कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफिनेशन हमने लिख दिया है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो देख लीजिए, सब्सटेंस लीजिए और उसको एक्वस में घोल लीजिए, एक्वस का मतलब वाटर, वाटर के बहुत, जब वाटर हम बहुत ज्यादा संख्या में लेते हैं तो उसको कहते हैं एक्वस, तो सब्सटेंस को एक्वस में घोल लिया, घोलने के बाद जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन से अगर करेंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए तब वह सोल्यूशन कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है, लेकिन सब्सटेंस में क्या लेंगे, इसमें फिक्स है, सभी सब्सटेंस नहीं ले सकते इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। द एक्वस सॉल्यूशन से देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफिनेशन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स।
कहता है क्वेश्चन अनुसरण सप्ताह जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है अपने में से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी एक्वस सब्सटेंस लेना है, यानी वाटर लेना है प्लस सब्सटेंस लेना है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन इसमें कंडीशन है कि वह इलेक्ट्रोलाइट्स वही है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। अब सब्सटेंस के रूप में कौन सा चीज लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं एंड ऑल साल्ट। साल्ट में सभी तरह का साल्ट ले सकते हैं, लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे। आर टेकन एज ए सब्सटेंस, सब्सटेंस के रूप में यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड और सभी साल्ट लेंगे, और इसका किसके साथ बनाएंगे एक्वस के साथ यानी वाटर के साथ बनाएंगे, और जो सोल्यूशन तैयार करेंगे वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी को सेल के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर हो गया, आपका इलेक्ट्रोड क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन निकालने का तरीका हो गया। आप अपने घर पर एग्जाम्पल्स कुछ और बनाइए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, इतना चीज को अभ्यास कीजिए। अगले क्लास में हम सेल का क्लासिफिकेशन करेंगे कि सेल दो तरह का होता है, एक तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उसी को कहते हैं वोल्टिक सेल, ठीक है। ये अगले क्लास का टॉपिक है। ओके, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।